हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्ष और आप देख रहे हैं अर्ष एसएसडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी एसएसडी या हार्ड ड्राइव से कोई भी डिलीटेड फाइल क्या आप रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और ये प्रोसेस कैसे होता है। सो देन लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में बताऊंगा कि हार्ड डिस्क ड्राइव में कभी भी कोई फाइल डिलीट नहीं होता है, वो हमेशा स्टोर रहता है फ्लैश सेल्स में। यानी कि कोई भी अगर हम लोग फाइल डिलीट करेंगे तो हमेशा उस सबसे छोटे पार्ट में जाकर सेव हो जाता है और वो फाइल एकदम कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है। और साथ ही अगर वो फाइल बहुत ही पहले डिलीट हो चुका है, यानी कि 5-6 से ज़्यादा महीना हो गया है, तो वो फाइल क्रैश हो जाएगा, यानी कि करप्ट हो जाएगा और आप इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी भी हार्ड डिस्क से कोई भी फाइल रिकवर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस हार्ड डिस्क को अपने पीसी से निकालना होगा और साथ ही उस ड्राइव को सेकेंडरी यूज में रखना होगा और फर्स्ट ड्राइव में आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रखें। अगर आप अपने पीसी से हार्ड डिस्क नहीं निकालेंगे और सिंपली उसी हार्ड डिस्क में आप अपना सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपका शायद डेटा रिकवर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जो डेटा रिकवर करना चाहते हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, यानी कि हाल ही में डिलीट होना चाहिए। और अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो उसके ऊपर एक और उसका डेटा स्टोर हो जाएगा, यानी कि डिलीटेड फाइल जो आपको रिकवर करना है उसके ऊपर सॉफ्टवेयर का फाइल सब स्टोर हो जाएगा। तो इसके कारण शायद आपका फाइल क्रैश या करप्ट हो जाएगा और वो ओवरराइट हो जाएगा सॉफ्टवेयर के फाइल से। इसी के कारण आपको अपना हार्ड ड्राइव अलग पीसी में लगाकर आप उसे रिकवर कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी फाइल को रिकवर कर सकते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर से। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। हार्ड डिस्क ड्राइव में कभी भी कोई भी फाइल डिलीट नहीं हो पाता है, चाहे वो कितना बार भी फॉर्मेट हो वो हमेशा सेव रहता है। जैसा कि सीडी या डीवीडी में कोई भी फाइल डिलीट नहीं होता है, चाहे वो रीराइटेबल हो या सिंगल टाइम राइटेबल हो, वो फाइल कभी भी डिलीट नहीं होता है, वो हमेशा स्टोर होता है, रिकवर हो जाता है। इसी कारण हैकर सब अपना हार्ड ड्राइव जो अपने पीसी में लगाए हुए होते हैं और इससे कभी हैकिंग अटैक करते हैं तो उस हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि उसे तोड़ देते हैं या कुछ भी उसके साथ करते हैं ताकि उसका कभी भी फाइल रिकवर नहीं हुआ है। अगर वह फाइल कभी भी रिकवर हो जाएगा तो हैकर के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन सब पता चल जाएगा। इसी के कारण हैकर सब हमेशा हार्ड ड्राइव को हमेशा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब आते हैं एसएसडी की तरफ। एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह एक अलग तरह का ही स्टोरेज ड्राइव होता है। इसमें कोई भी डेटा स्टोर अलग तरह से होता है और एसएसडी में कोई भी फाइल कभी भी डिलीट होता है तो जल्द से जल्द नहीं रिकवर हो पाता है, क्योंकि परमानेंटली डिलीट हो जाता है और इसका कोई भी ट्रेस उसके सिस्टम में नहीं रह पाता, यानी कि उसके सबसे छोटा सेल होता है उसमें भी वह नहीं रहता है, क्योंकि वह अलग टाइप की टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और इस टेक्नोलॉजी का एक ही मेन फीचर है कि वह हमेशा ज्यादा से ज्यादा स्पीड दे। आप लोग जानते ही होंगे कि एसएसडी का यूज गेमिंग के लिए होता है, क्योंकि एसएसडी ज्यादा से ज्यादा स्पीड देता है। और अगर आप किसी भी फाइल को डिलीट करेंगे और वह स्टोर रहेगा तो आपके एसएसडी को स्लो कर देगा, इसी कारण वह हमेशा अपना पूरा डेटा डिलीट कर देता है। और कभी भी गलती से भी एसएसडी में कोई भी डेटा स्टोर रह गया तो वह उसका डिफेक्ट है, यानी कि वह पीसी को स्लो कर देगा और वह एसएसडी डिफेक्टेड है, यानी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम था, इसी कारण वह अपना पूरा डेटा नहीं डिलीट कर पाया। हार्ड डिस्क ड्राइव में और सॉलिड स्टेट ड्राइव में यही मेन फर्क है, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव में आप डेटा रिकवर कर सकते हैं और एसएसडी में आप डेटा रिकवर नहीं कर सकते हैं, और इसी कारण एसएसडी ज्यादा फास्ट है एचडीडी से। अब आते कुछ सॉफ्टवेयर की तरफ जो आपको डेटा रिकवर करने में मदद करेगा और साथ ही पूरे हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने में, यानी कि आप कोई भी फाइल को रिकवर नहीं कर पाएंगे ऐसा फॉर्मेटिंग करने वाला सॉफ्टवेयर। सबसे पहला सॉफ्टवेयर है रिक्यूबा, जो कि एक डिलीटेड फाइल को रिकवर करने वाला सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर सीसी क्लीनर के द्वारा बनाया गया और इसका यूज है कि कोई भी डिलीटेड फाइल को यह रिकवर कर देता है। यह वीडियो यहीं खत्म होता है। मैं आपको अगले वीडियो में यह बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी फाइल को रिकवर कर सकते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर से। सो थैंक यू।